चलो बच्चा लोग टेंस का कर रहे थे, टेंस का पार्ट वन हम लोग पढ़ रहे थे। इसका दूसरा पार्ट एक टेंस था वो खत्म नहीं हुआ था, प्रेजेंट टेंस ही हम लोग का चल रहा। तो प्रेजेंट टेंस में चलो थोड़ा याद दिला देते हैं बैक चीज। क्या पढ़े थे हम लोग? मेको किससे हटाना है? इन द से। और को किससे हटाना है? ऑन द से। ठीक है, के लिए को किससे हटाना है? टू से। और अगर सिर्फ लिए रहे तो हाँ इसको भी टू से, और अगर पास रहे तो इसको भी टू से, के पास रहे तो इसको भी टू से। ये एक वर्ड हो गया, तो आपको ना ये याद रखना है के लिए या लिए का इंग्लिश क्या लिखेंगे, टू। पास या के पास का इंग्लिश क्या लिखेंगे, टू। जी बाद में समझ लेंगे हम लोग। हैज, हैव, हैड, शेल हैव और विल हैव भी होता है। हाँ, ये पास और के पास के अर्थ में आई हैव अ पेन, ये सही है, ये भी होता है, पर ना दोनों में थोड़ा अंतर है। हम एक एक करके जा रहे हैं, बाद में हम इसमें टेंस में ही जब हैज हैव हैड वाला टेंस आएगा तो वहां हम इसका जिक्र कर लेंगे। रूल्स पर पैसेज में सब पढ़ाते हैं, अभी वहां हम नहीं जाएंगे। ठीक है, चलो अब यहाँ आ जाओ। अभी तुमको टू से ही काम चलाना है। पास या के पास का टू, लिए या के लिए का टू, पर का, ऑन द, मे का, इन द। चलो अब कुछ सवाल और बता दो। का के की का इंग्लिश क्या लिखेंगे? ऑफ। कहकार को का क्या लिखेंगे? द। कहसीकार की का क्या लिखेंगे? दैट। चलो इतना चीज हम लोग को याद था। और कोई भी सेंटेंस को बनाने का हिंदी से इंग्लिश में रूल क्या दिए थे? फर्स्ट एंड लास्ट। चलो एक बच्चा हमको एक मैसेज किया था कि सर लुक सिस्टम समझ गए, तो चलो इसको थोड़ा वो ठीक से समझ लेना। ये लुक सिस्टम नहीं बोल रहे हैं हम, इसको लॉक सिस्टम बोल रहे हैं। एल ओ सी के, लॉक सिस्टम, ताला लगाकर ताला खोलने की मेथड, तो इसको लॉक सिस्टम बोलना, लुक सिस्टम नहीं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग। अब एक सेंटेंस और लेते हैं और हम लोग पिछला चीज को फिर से रिवाइज करते हैं। तो क्या सेंटेंस ले रहे हैं? सेंटेंस है, हम लोग राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र के निर्माण में, राष्ट्र की सुंदर विचार को समझने के लिए राष्ट्र की जनता के पास पूरी तरह से तैयार हैं। अब सेंटेंस छोटा हो जाए या बड़ा इससे कोई मतलब नहीं है। सेंटेंस में हम सीधा सा कहते हैं आपको रूल कि सेंटेंस को बनाने के लिए सीधा सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। तो सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है? हम लोग। तो फर्स्ट में हमको क्या टच करना है? सब्जेक्ट को। और इस फर्स्ट के बाद किसको लेना है? इसके बाद सीधा लास्ट में जाना है। तो फर्स्ट को हम गोल कर दिए और हम फिर लास्ट को गोल कर दिए। तो फर्स्ट एंड लास्ट, फर्स्ट में वी और लास्ट में है, तो वी के साथ है का क्या हो जाएगा? आर। तो फर्स्ट एंड लास्ट को सबसे पहले बनाना है, तो वी आर, हम लोग हैं। अब जैसे ही हम लोग फर्स्ट एंड लास्ट को लेंगे, कि फर्स्ट एंड लास्ट को ले लेने के बाद आपको लास्ट से आगे की तरफ बढ़ना है। लास्ट से आगे की तरफ बढ़ने पर जहां भी जो वर्ड मिलता है सिर्फ उसकी अंग्रेजी डालते जाएंगे और पीछे से हम लोग आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। और अब क्या है? तैयार। तो वी आर कंप्लीटली, यहां हम बता रहे हैं कंप्लीटली, कंप्लीटली रेडी। अब देखो यहाँ पे थोड़ा सा कंप्लीटली पहले आया है तब रेडी आया है। तो अभी कंप्लीटली क्या है इसको थोड़ा सा समझ लो। दुनिया का जितना भी
एल वाई वर्ड होता है, यानी जिस वर्ड के भी अंत में एल वाई लगा रहे, जैसे बैड में एल वाई बैडली, जैसे प्रॉपर में एल वाई प्रॉपरली, जैसे ब्यूटीफुल में एल वाई ब्यूटीफुल्ली, जैसे रेगुलर में एल वाई रेगुलरली, जैसे कंटिन्यूअस में एल वाई कंटिन्यूअसली, इस तरह से जितना भी एल वाई वर्ड है ना, तो ध्यान रखना कि एल वाई जितना भी अंग्रेजी का वर्ड हो उसकी यूज हिंदी में कहीं भी रह सकता है, लेकिन अंग्रेजी सेंटेंस में इसका जगह फिक्स होता है। अब अंग्रेजी में इसका प्रयोग कहां करें, तो जो भी सेंटेंस में वर्ब है, चाहे वो मेन वर्ब हेल्पिंग वर्ब, जो भी वर्ब आपको आ रहा है, तो यहां सेंटेंस देखें तो वर्ब क्या मिलता है, आर, यहां पे हेल्पिंग वर्ब है, तो एल वाई वर्ड का प्रयोग हम हमेशा सेंटेंस में दो ही जगह कर सकते हैं, या तो वर्ब के ठीक पहले या तो वर्ब के ठीक बाद, या तो वर्ब के ठीक पहले या तो वर्ब के ठीक बाद, या तो बनाएंगे वी रेगुलरली आर, या लिखेंगे वी कंप्लीटली, या लिखे हम लोग कंप्लीटली, तो वी कंप्लीटली आर रेडी, या लिखेंगे वी आर कंप्लीटली रेडी। लेकिन एक चीज ध्यान देना कि अगर हम वर्ब के बाद एल वाई वर्ड का यूज करते हैं, तो हमको एक चीज यहां पे ध्यान देना पड़ता है कि सेंटेंस में कहीं वर्ब के बाद कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं आ रहा है, क्योंकि अगर सेंटेंस में वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो एल वाई का प्रयोग वर्ब के ठीक बाद नहीं बल्कि वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के बाद किया जाएगा। जैसे सेंटेंस देखो, मैं धीरे से तुम्हें बुलाता हूं, आई कॉल। अब यहां अगर कोई स्लोली यू लिखता है, तो अब यहां देखो कॉल मींस बुलाना वर्ब है, और वर्ब के बाद हम स्लोली एल वाई डाल दिए, और इसके बाद देखो ऑब्जेक्ट को लिए हैं, तो यहां ये सेंटेंस रॉन्ग हो जाएगा, यहां ग्रामेटिकली एरर है, कंपटीशन एग्जाम में नंबर कट जाएगी। तो कॉल वर्ब है, वर्ब के पहले लगाने से कहीं कोई मिस्टेक नहीं होगा, आई स्लोली कॉल यू सेंटेंस सही होगा। लेकिन वर्ब के बाद अगर हम लगाएं, तो ध्यान रखना है कि वर्ब के बाद अगर ऑब्जेक्ट आता है तो हम ऑब्जेक्ट को पहले लेंगे, आई कॉल यू, और तब लिखेंगे हम लोग स्लोली। बोलने के टाइम में व्हेन यू बिगिन टू स्पीक इंग्लिश एट द टाइम ऑफ स्पीकिंग व्हाट यू आर स्पीकिंग नॉट द मेंशन ऑफ इट बिकॉज दिस इज द स्लैंग लैंग्वेज बट व्हेन यू आल्सो बिगिन द वर्क इन रिटन पोजीशन इन दिस सिचुएशन देन यू हैव आल्सो टू वेरी अलर्ट एंड केयरफुल एट द टाइम ऑफ राइटिंग एनीथिंग एल्स मस्ट बी करेक्ट अकॉर्डिंग टू द ग्रामर्स रूल ग्रामेटिकली तो उसको ग्रामर के अनुसार से बिल्कुल सही होनी चाहिए, क्योंकि रिटन एग्जाम में आपका गलती नहीं चलेगा। वर्बली बोल चाल में हम गलत बोल सकते हैं, उसमें मिस्टेक्स होगी, उतना चलता है, वो स्लैंग लैंग्वेज भी हम लोग यूज कर लेते हैं। ठीक है, स्लैंग लैंग्वेज क्या है, अबे ओ बीरबल कहां हो, यहां आ जाइए, स्लैंग लैंग्वेज है। लेकिन रिटन में अगर तुम कहीं कुछ लिखते हो तो ऐसा तो नहीं लिखा होगा ना, अरे ओ बीरबल इधर आ जा, तो ये तो स्लैंग लैंग्वेज है, बोल चाल की भाषा में हम यूज करते हैं। लेकिन रिटन में हम ऐसा कभी नहीं लिखते, वहां बड़ी सम्मानित लिखना पड़ता है। तो एल वाई वर्ड का प्रयोग वर्ब के ठीक पहले करेंगे, अगर हम वर्ब के बाद करेंगे तो ध्यान रखना है कि अगर वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है तो हम ऑब्जेक्ट के बाद ही एल वाई का प्रयोग करेंगे, और अगर ऑब्जेक्ट नहीं आता है, चलो हम यहां से ऑब्जेक्ट हटा दिए, तो एल वाई वर्ड देखो ऑटोमेटिकली किसके बाद आ जाता है, वर्ब के बाद, तो अगर ऑब्जेक्ट नहीं है तो ऑटोमेटिकली वर्ब के ठीक बाद वो जगह पकड़ लेगा, नहीं तो हम वर्ब के बाद करेंगे। चलो एक क्वेश्चन यहां वर्ड आ गया था इसलिए हम ऐसा किए, यहां पे इसीलिए हम लोग लिखेंगे वी आर कंप्लीटली रेडी, वी आर रेडी कंप्लीटली अगर हम लिखेंगे तो सेंटेंस गलत होगा। चलो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं, तो हमारा ये क्या हो गया रेडी, और पूरी तरह से तक का अंग्रेजी बन गया। अब हम लोग कहां आ गए, के पास, के पास का वर्ड क्या बताए, टू, टू दिए तो के पास खत्म। बगल में वर्ड क्या है, जनता, जनता का हम पीपल या पब्लिक लिख सकते हैं। ठीक है, इसके बगल में क्या है, की का क्या रटाए, ऑफ। इसके बगल में क्या है, राष्ट्र, राष्ट्र का क्या लिखेंगे,
द नेशन। द क्यों लगा है? एक दो क्लास में हम इसका पूरा डिटेल समझा देंगे, समझ में आ जाएगा, लेकिन द लगेगा। द नेशन राष्ट्र। इसके बाद क्या मिला? के लिए। के लिए का क्या देंगे? टू। के लिए यहां से खत्म। बगल में फिर क्या मिला? समझना। समझना का क्या देंगे? अंडरस्टैंड। खाली वर्ड डालते जाना है, बनते जाएगा। बगल में क्या है? को का अंग्रेजी क्या हटाए? द। हर जगह द लगाएंगे, को खत्म। फिर क्या है? सुंदर विचार। कैसी विचार? सुंदर विचार, विचार नहीं, सुंदर विचार एक वर्ड है। क्योंकि जब किसी भी नाउन के साथ अगर एडजेक्टिव लगा हुआ हो, जैसे आप किसी को कहे कि अच्छा बच्चा हो तुम बहुत अच्छे बच्चे हो, तो कैसे बच्चे? अच्छे बच्चे। तो आप क्या कहते हैं? तो चिल्ड्रेन गुड नहीं बोलते हम लोग, गुड चिल्ड्रेन बोलते हैं, क्योंकि वो उसका एडजेक्टिव है। और एडजेक्टिव प्लस नाउन जब दोनों किसी सेंटेंस में यूज होता है, तो हम अगर पीछे से आएंगे तो देखो पहले कौन आ जाएगा? नाउन, तब कौन होगा? एडजेक्टिव। लेकिन इस जगह तुमको पीछे से नहीं आना है, यहां आपको जंप छलांग लगाने की जरूरत है। मतलब नाउन और एडजेक्टिव में ये विचार नाउन है और ये एडजेक्टिव है, तो यहां आपको इस तरह से नहीं आना है, यहीं पे पलट जाना है। पहले एडजेक्टिव को लेना है और फिर इसके बाद नाउन को लेना है, और फिर इसके बाद हम लोग फिर वही करेंगे, फिर पीछे से ही आगे बढ़ेंगे। यहाँ एक जंप की रूल आई, इसको हम लोग जंपिंग रूल कहते हैं, इसको हम लोग फ्रॉग रूल भी कहते हैं, मेंढक रूल कहते हैं। तो ऐसे में आपको जंप कर जाना है। तो को का हम लोग क्या लिखे? द। सुंदर विचार का क्या लिखेंगे? हाँ, सुंदर का ब्यूटीफुल होता है, यहाँ क्या लिखेंगे? ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल लिखेंगे, नाइस लिखेंगे, द नाइस। विचार, विचार का थिंकिंग होता है, कंसीडरेशन होता है, कंसीडरेशन। विचार, सुंदर विचार, गुड भी लिख सकते हैं। फिर की का क्या लिखेंगे? ऑफ। बगल में फिर क्या है? द नेशन, द लगाएंगे। फिर में मिला, में का क्या लिखेंगे? इन। फिर क्या है? निर्माण। निर्माण का अंग्रेजी, हाँ निर्माण का क्रिएशन, ठीक है, क्रिएशन का मतलब निर्माण। के का क्या लिखेंगे? और फिर बगल में क्या आया? राष्ट्र। क्या लिखेंगे? द नेशन। पूरा सेंटेंस क्या बना? वी आर कंप्लीटली रेडी टू पीपल, वी आर कंप्लीटली रेडी टू पीपल ऑफ द नेशन टू अंडरस्टैंड द ब्यूटीफुल कंसिडरेशन ऑफ द नेशन इन द क्रिएशन ऑफ द नेशन। तो ये पिछला बैक क्लास हम लोग कर रहे थे, अब इसी में हम लोग टेंस को आगे बढ़ा रहे हैं, ठीक है। क्लास अब बढ़ रहा आपका, आगे पार्ट टू हो रहा है। ये हम पिछला आपको सिर्फ याद दिला दिए। अब इसका दूसरा क्या होता है कि इसके बाद हर सेंटेंस को हम कर देते हैं इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इसको निगेटिव नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, इसका सही उच्चारण नेगेटिव होता है, क्योंकि निगेटिव अगर हम इसको पढ़ेंगे सेम स्पेलिंग होगा। अगर हम इसका उच्चारण निगेटिव करेंगे तो निगेटिव का मतलब नकारात्मक नहीं होता है। निगेटिव प्रोनंसिएशन बदल जाने से इसका अर्थ बदल जाता है। देखो इसका अर्थ क्या होता है, निगेटिव का मीनिंग हो जाता है धुंधला, ना दिखने वाला, धब्बा धब्बा, काला काला, या फिर इसको हम लोग नंगा भी कहते हैं। कभी तुम लोग फोटो खिंचवाए हो अगर पॉजिटिव स्टूडियो में, तो देखना वो दो फोटो देता है, एक पॉजिटिव साथ में एक निगेटिव देता है, और जो निगेटिव देता है ना वो धुंधला होता है, वो काला काला रहता है, दिखता नहीं है, पहचाना नहीं जाता है उसको। हम लोग बिल्कुल एक्सरे की तरह, जैसे हम लोग एक्सरे करते हैं, तो वहां पे हम लोग इसको निगेटिव बोलेंगे। लेकिन इसको जब हम ग्रामर में यूज करेंगे तो इसको हम लोग नेगेटिव पढ़ेंगे, और नेगेटिव जैसे ही अर्थ बदले, स्पेलिंग सेम रहेगा, प्रोनंसिएशन हम जैसे ही बदलेंगे कि इसका अर्थ बदल जाएगा, और इस जगह इसका मतलब हो जाएगा नकारात्मक, मतलब जिससे नहीं का बोध हो, ठीक है। तो चलो इसलिए इसको हम लोग नेगेटिव पढ़ते हैं, इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव। इंट्रोगेटिव नहीं है, इंटरोगेटिव है, देख लो TERRO है, TRO नहीं लिखते हैं। अगर हम TRO लिखते तो इंट्रोगेटिव होता, पर ये इंट्रोगेटिव नहीं है, ये इंटरोगेटिव है, और फिर प्लस नेगेटिव है। मतलब हिंदी क्या होता है? प्रश्नात्मक प्लस नकारात्मक, ये हिंदी। अरे हिंदी सेंटेंस में अगर ये दोनों चीज क्या और प्लस नहीं अगर दोनों लग जाता है तो वही सेंटेंस बन जाता है इंटरोगेटिव प्लस
नेगेटिव, और ऐसे सेंटेंस को बनाने का स्ट्रक्चर। प्रेजेंट टेंस में हम लोग अभी सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब को हम लोग आगे कर लेंगे। हेल्पिंग वर्ब किसके अनुसार से आता है किसी भी सेंटेंस में, तो उस सेंटेंस के सब्जेक्ट के अनुसार, और अगर सेंटेंस में नहीं है तो नोट लगाओ, और अगर नोट नहीं है तो हम वहां पे नोट नहीं नहीं है तो नोट नहीं लगाएंगे, और प्लस लास्ट में जो भी आएगा हम उसको कॉम्प्लीमेंट कहेंगे, और अंत में देंगे नोट ऑफ इंटरोगेशन मतलब क्वेश्चन मार्क। तो इज एम आर प्लस सब्जेक्ट। चलो अब इसका एक एग्जांपल लेके भी हम लोग देख लेते हैं, जैसे छोटा छोटा फिर बड़ा भी कर देंगे। क्या आप लोग कोरोना से लड़ने, क्या आप लोग कोरोना से लड़ने के लिए तैयार नहीं है? जी सर है, हम लोग सब हैं, पूरे भारत तैयार है, कोरोना को हराएंगे और हम लोग जीतेंगे। चलो स्ट्रक्चर मिटा रहे, और अब यहाँ पे देखो बनाने की रूल क्या कहे, फर्स्ट एंड लास्ट। कोई भी सेंटेंस को बनाने के लिए हम सबसे पहले किसको टच करेंगे, सब्जेक्ट को। इसका सब्जेक्ट देखो क्या है, आप लोग, तो आप लोग यानी कि यू को हम सबसे पहले लेंगे। अब सब्जेक्ट हम जैसे ही लिए, तो एक चीज ध्यान देना कि कोई भी सेंटेंस में अगर सब्जेक्ट के पहले क्या लग जाए तो आप भूल से भी इस क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं लिखेंगे, तब इस क्या का अंग्रेजी व्हाट नहीं होगा, बल्कि क्या का अंग्रेजी उस वाक्य में उस सब्जेक्ट के अनुसार से टेंस के अनुसार जो हेल्पिंग वर्ब लगता है उस हेल्पिंग वर्ब को हम आगे कर देंगे, तो क्या भी खत्म और सब्जेक्ट भी खत्म। तो यू क्या लेता है, आर। तो आर को कहां लगा लेंगे, यू के पहले। तो देखो दो चीज टिक लगा दिए, दो चीज आपका खत्म, और ये भी आपका बन गया, ये भी नहीं बचा हुआ है, भी आपका खत्म हो गया। तो दो चीज हम जैसे ही लिए, तो देखो तो आप फर्स्ट से लेकर क्या लास्ट तक पहुंच गए, तो जी सर फर्स्ट एंड लास्ट बन गया। तो जैसे ही फर्स्ट एंड लास्ट आपका बनता है तो क्या कहते हैं कि लास्ट से आपको आगे की तरफ बढ़ना है, तो आगे की तरफ बढ़ने में पहला वर्ड क्या मिलता है, नहीं। तो नहीं का क्या लिखेंगे, नॉट। आगे क्या है, तैयार। तैयार का क्या लिखेंगे, वो खाली वर्ड देना है, रेडी। अब के लिए का आप पहले से बता दिए कि के लिए रट जाओ, टू होता है, टू दिए तो के लिए खत्म। अब यहाँ पे लड़ना, लड़ना का अंग्रेजी क्या होता है, फाइट। तो फाइट, फाइट है। अब यहाँ पे है कोरोना से है। अब यहाँ से का ये थोड़ा से फंसा देता है सर जी, कभी कभी टू लगा देते हैं, कभी कभी फ्रॉम लगा देते हैं, कभी ऑफ भी लग जाता है, कभी बाय भी लग जाता है, कभी विथ भी लग जाता है। ये प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन थोड़ा सा टेढ़ा होता है, लेकिन इस जगह जब आया है ना यहाँ से, तो इसको समझ लो। यहाँ पे हम लोग थोड़ा सा इसका डील करेंगे, अब आप इसका डीलिंग समझिए कि ये क्या चीज है, ये से का हम कैसे क्या लिखेंगे। देखो अच्छा, लड़ना का मूल अर्थ क्या होता है, विरोध करना। हम जब किसी से लड़ते हैं तो लड़ना का मतलब ये नहीं कि जो हम उसको मार रहे हैं, फाइटिंग दे रहे हैं, बॉक्सिंग दे रहे हैं, लात जूता घुसा दे रहे हैं, तो वही लड़ना। लड़ना का मतलब होता है किसी चीज से संघर्ष करना, जैसे भी आप करें, स्ट्रगल कर रहे हैं आप उस चीज से। स्ट्रगल करना करने का मतलब है कि हम एक किसी दूसरे चीज का हम उसका विरोध कर रहे हैं। हम में रोग घुस गया है और हम रोग से लड़ रहे हैं, क्या कहते हैं, हम रोग से पीड़ित है, आई एम सफरिंग फ्रॉम फीवर। तो फीवर सफर कर रहे हैं। तो जब विरोधाभाव उत्पन्न हो किसी भी सेंटेंस में, विरोध की भावना होता है, आप किसी से लड़ रहे हैं तो मतलब आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप किसी को गाली दे रहे हैं, इसका मतलब आप उसका विरोध कर रहे हैं। आप किसी पर गुस्सा दिखा रहे हैं, इसका मतलब आप उसका विरोध कर रहे हैं। और जहां विरोध का भाव उत्पन्न हो ऐसे कंडीशन में हम से का अंग्रेजी अगेंस्ट लिखेंगे, ठीक है। अगेंस्ट का मतलब विरोध करना, इसीलिए यहां से का हम अगेंस्ट लिखेंगे, टू फाइट अगेंस्ट। अब अगेंस्ट के बाद देखो से खत्म हो गया, अब क्या है, कोरोना, इसी को हम लोग कोविड 19 भी कहते हैं, कोविड 19। चलो सेंटेंस बन गया पूरा, तो आर यू क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, और पूरा बनता है आर यू नॉट रेडी टू फाइट अगेंस्ट कोविड 19, या इसी को हम लोग कोरोना भी कह सकते हैं। तो ये इंटरोगेटिव समझ गए आप लोग, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग,
लास्ट किसी भी टेंस का होता है, यहीं पे आके कोई भी टेंस खत्म हो जाता है, टर्म प्लस नेगेटिव। अब टर्म प्लस नेगेटिव क्या है, चलो टर्म प्लस नेगेटिव को थोड़ा सा समझ लेते हैं, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। टर्म का एक और नाम भी है, इसका नाम है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, इसका नाम डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी है, क्यू यू ई एस टी आई ओ एन, इसको हम लोग डब्ल्यू एच क्वेश्चन भी कहते हैं और इसको हम लोग इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं। तो तीन नाम है टर्म का, या हम इसको टर्म कहते हैं, या तो हम इसको डब्ल्यू एच क्वेश्चन कहते हैं, या तो हम इसको इंटरोगेटिव प्रोनाउन भी कहते हैं, और ये सभी का मतलब होता है, तीनों का मतलब होता है प्रश्न सूचक शब्द पद, टर्म मतलब पद होता है, लेकिन यहां जानो प्रश्न सूचक शब्द। दुनिया का ऐसा वर्ड, द वर्ड व्हिच एक्सटेंड्स एनी क्वेश्चन इन अ सेंटेंस, देन दैट वर्ड इज कॉल्ड डब्ल्यू एच क्वेश्चन टर्म इंटरोगेटिव इंटरोगेटिव प्रोनाउन। जो भी दुनिया का शब्द से प्रश्न पूछने का बोध हो हम लोग उसी को टर्म कहते हैं। तो छोटा नाम है टर्म, इसीलिए हम टर्म रखते हैं। हाँ, कुछ क्वेश्चन आ रहा है कि इसको डब्ल्यू एच नाम क्यों रखे सर, एच डब्ल्यू क्यों नहीं रखे, सी एच क्यों नहीं रखे। चलो तुम ही लोग बतलाओ, एच डब्ल्यू बचपन में आप लोग पढ़ते थे, आपको घर वहां सर गुरुजी आपको होमवर्क देता था एच डब्ल्यू, तो एच डब्ल्यू को आप होमवर्क कहते थे। इसका हाउस वर्क भी फुल फॉर्म हो सकता है, क्या हाउस वर्क कभी कहे नहीं सर, क्या कहे होमवर्क। क्यों कहते थे होमवर्क, हाउस वर्क क्यों नहीं कहते हैं, क्योंकि होमवर्क, होम का मतलब अपना घर, और हाउस वर्क अगर लिखेंगे एच डब्ल्यू का फुल फॉर्म, तो हाउस का मतलब होता है कोई भी घर लेकिन आपका घर नहीं, हाउस का मतलब पराया घर। इसीलिए टास्क किसके घर में बनाते थे आप, तो अपना घर में, इसीलिए उसका नाम क्या होता था होमवर्क। चलो अब यहां डब्ल्यू एस समझ लो, दुनिया में जितना भी क्वेश्चन का वर्ड होता है उसमें से अधिकतर शब्द जो टर्म है डब्ल्यू एच क्वेश्चन, वो जो अधिकतर उसका डब्ल्यू एच क्वेश्चन का वर्ड्स होता है, वो अधिकतर शब्द का शुरुआत इसी दो अक्षर से होता है डब्ल्यू एच से, इसलिए भी इसका नाम रखा गया है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। जैसे देख लो, व्हाट मींस क्या डब्ल्यू एच, वेयर मींस कहां डब्ल्यू एच, वेदर मींस किधर डब्ल्यू एच, हुज का मतलब किसका किसकी डब्ल्यू एच, और व्हेन का मतलब कब डब्ल्यू एच, हु का मतलब कौन डब्ल्यू एच। हम ये कह रहे हैं कि अधिकतर शब्द जो है वो डब्ल्यू एच से ही स्टार्ट होता है, इसलिए भी इसका नाम रखा गया है डब्ल्यू एच क्वेश्चन। पूछने पर यही जवाब देंगे, ठीक है, कोई एग्जाम में ये चीज नहीं पूछेगा, ऐसे कोई पूछ सकता है, एग्जाम में खाली काम का बात पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, वो बाद में जान लेंगे क्या क्वेश्चन रहेगा और कैसे रहेगा, कैसे हल करना है इसको, ठीक है। हाँ, कल इधर रिजल्ट आई थी बीए थर्ड पार्ट का, एक बच्चा उधर क्या नाम था कैमरामैन नहीं जान रहे हैं, थोड़ा भूल रहे हैं हम भी, वो इधर भेजा था, तुम लोग को भी भेज देंगे होगा, तो अभी बीए में एकदम टॉप किया है, इंग्लिश ऑनर्स था उसका, थर्ड पार्ट का एग्जाम दिया था, रिजल्ट आ गया है, बड़ा थैंक यू करके उसने भेजा, तो पढ़ा दिए थे, वो भी बड़ी परेशान था बाद में, या बीच बीच में कहता सर एग्जाम में कैसे होगा, तो वैसे ही आप लोग भी परेशान नहीं होइएगा, एग्जाम में क्या रहेगा, 15 दिन का खेला खत्म, उसका नाम है नंबर उठाओ अभियान, ठीक है। लास्ट का जो 15 क्लास होगा ऑफलाइन ऑनलाइन जैसे भी होगा लेकिन होगा, और वो जो 15 दिन का क्लास होगा वो काफी वीवीआई मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, और धाई 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 इंपोर्टेंट क्लास होगा, और उसमें केवल नाम ही रखते हैं उसका नंबर उठाओ अभियान, उसमें खाली नंबर उठाने की बात होगी, इसीलिए चिंता मत करो, गुरु जी का हाथ पकड़ा है, दमन थाम के रखेंगे, छोड़ेंगे नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं हम लोग, अब टर्म प्लस नेगेटिव का एग्जाम स्ट्रक्चर ले लेते हैं। अब स्ट्रक्चर क्या है, हिंदी सेंटेंस में टर्म कहीं भी रह सकता है, लेकिन अंग्रेजी सेंटेंस में हमेशा टर्म को खींचकर हम सबसे पहले लाएंगे, जी सर धक्का मारते हुए फाट देते हुए लाइएगा इसको, चाहे कहीं रहे लेकिन इसको मारते मारते लाना सबसे
पहले, क्योंकि इसकी जगह यही है, बेवकूफ कहीं और जाके बैठ जाता है, इसको उठा के यहां लाया करो। टर्म को लाना है सबसे पहले, इसके बाद टर्म को जैसे ही लाते हैं कि आप सब्जेक्ट को पकड़ लो और सब्जेक्ट को पूछो कि तुम कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हो, वो फौरन तुमको डर से बतला देगा कि मैं इज लेता हूं कि एम लेता हूं कि आर लेता हूं। जैसे तुम आई को पूछेगा क्या लेते हो तो फट से बतलाएगा कि भैया एम लेते हैं मत मारिए हमको। अगर यू को पूछोगे तो फट से बतलाएगा भैया हम आर लेते हैं मत मारिए हमको। सी को पूछोगे क्या लेते हो क्या लेती हो, बोलेगी दीदी मत मारो दीदी हम तो इज लेते हैं इज दे दो। तो आप क्या करेंगे कि टर्म और सब्जेक्ट दो चीज को, टर्म वाला सेंटेंस में टर्म लेने के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट को ले लो, और सब्जेक्ट लेने के बाद तब फैसला तुरंत आप करेंगे, गलत नहीं होगा आपका कभी कि ये इज एम आर क्या लगेगा। तो यहां क्या करना है कि टर्म और टर्म और सब्जेक्ट के बीच लगाना है इज एम आर को। लेकिन इज एम आर में से सही क्या सटीक लगेगा इसका फैसला करता है सब्जेक्ट। इसीलिए टर्म लेने के बाद डायरेक्ट सब्जेक्ट को देखो और मन ही मन तुरंत पता लग जाएगा कि यहां टर्म के बाद इज एम आर में से क्या लगेगा। तो फाइनल स्ट्रक्चर कर लो आप, टर्म प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस लास्ट में सी ओ एम पी का मतलब COMP कॉम्प्लीमेंट नोट ऑफ इंटरोगेशन। चलो एग्जाम्पल लेके छोटा सा फिर एक थोड़ा बड़ा कर देंगे। वह क्यों नहीं तुम्हारे पास है, एकदम छोटा सा वह सेंटेंस में देख लो, टर्म कहीं दिख रहा है, क्वेश्चन वर्ड दिख रहा है, जी सर क्यों, तो देखो ये सेंटेंस में कहीं भी है, क्या कहे इसको मारते पीटते यहाँ लेके आओ, बेवकूफ यहाँ क्या कर रहा है, तेरा जगह तो यहाँ पे है। तो सबसे पहले क्यों का वाई लिख दिए, तो यहाँ टर्म आपका हो गया। टर्म जैसे ही हम ले लिए हैं कि टर्म के फौरन बाद हम किसको पकड़ते हैं सब्जेक्ट को, सब्जेक्ट को देख लो तो तुमको समझ में आ जाएगा कि यहाँ वह है, या तो ही होगा या तो सी होगा, कोई एक चीज होगा, तो चलो ही होगा। और जैसे ही हम ही लिखे सब्जेक्ट लिखे तो क्या कहेगी, टर्म और सब्जेक्ट के बीच लाना है हेल्पिंग वर्ब इज एम आर को। तो आप देख लो ही क्या लेता है, इज लेता है, तो यहां पे हम लोग इज को लगा देंगे। तो इज लगाने के बाद अब देखो ये बन गया, ये भी बन गया, और ये जो हाय है ना ये भी बन गया। अब शेष किसी भी चीज को बनाने के लिए हम पीछे से मूव करेंगे, और पीछे से मूव करने पर नहीं का अंग्रेजी थोड़ा पहले आता है, व्हाई इज ही नॉट। अब तुम्हारे पास, पास का टू होता है और तुम्हारे का यू होता है, टू यू तुम्हारे पास। इसमें जो टीटीएस में 11th में जो बच्चा आए थे, फिर इसके बाद छुट्टी हो गई, आप लोग पढ़ नहीं पाए थे, लेकिन टेंस उसमें हम बहुत कुछ पढ़ा भी दिए थे, तो रिवाइज हो जाएगा एक बार, अब इसको शुरू से कर दिए हैं। और जो बच्चा नया जुड़ रहे हैं नहीं पढ़े हैं वो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा इस पर, शुरू से आपका पूरा हो जाएगा, ये समझो कि 11th 12th का टोटल कोर्स तुम्हारा हो जाएगा। और उधर जो है हम कुछ फिर 12th का छोड़ते जा रहे हैं, और ये इधर 11th। और ग्रामर में इंग्लिश में ना 11th होता है ना 12th होता है, ये ध्यान रखना, सिलेबस थोड़ा बड़ा उल्टा पुल्टा है। उल्टा पुल्टा क्या है कि 11th में ग्रामर और 11th में बुक, समझ लो इजेगा, 12th में भी ग्रामर और 12th में भी बुक। अब हम लोग को 11th और 12th से मतलब नहीं है, हम लोगों को मतलब है फाइनल एग्जाम से। अब देखो फाइनल एग्जाम को हम घेरा लगा रहे हैं कि तुमको कितना चीज से क्वेश्चन आएगा, कोई भी फाइनल एग्जाम जब हम प्लस टू का देंगे, देखो हम अंदर कर दिए। तो अब देखो क्या चीज आ रहा है फाइनल एग्जाम में, 11th का ग्रामर आ रहा है और 11th का बुक बाहर छूट रहा है, और 12th का ग्रामर भी आ रहा है और बुक पोर्शन भी आ रहा है। तो फाइनल एग्जाम में देखो तीन चीज आ गया, 11th का ग्रामर भी, खाली बुक छूट रहा है। तो कुल अब कुल मिला करके कोई भी बच्चा को फाइनल एग्जाम की तैयारी के लिए सिर्फ एक चीज पढ़ने की जरूरत नहीं है, और वो है केवल 11th का बुक। लेकिन आप 11th का अगर ग्रामर नहीं भी पढ़े हैं तो आपको 11th और 12th को मिलाकर ग्रामर में क्वेश्चन रहेगा 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसीलिए ये नहीं समझेंगे ग्रामर में, इसीलिए ये नहीं समझो कि 11th का है 12th में क्यों पढ़ेंगे, ये 12th का है, ऐसा नहीं। ग्रामर टोटल और सबके लिए होता है,
ग्रामर में कोई भी क्लासेस नहीं होता, अगर आप नहीं जानते हैं चाहे जिस क्लास का है आपको बेसिक चीज जानना ही पड़ेगा सारे बच्चों को, फिर नहीं तो कंपटीशन में, फिर जैसे कंपटीशन में जाएंगे आगे बढ़ेंगे तो वहां थोड़ा सा तो कुछ बेसिक चीज को छोड़ के आगे बढ़ना पड़ता है, इतनी बहुत ज्यादा डिटेल्स में वहां काम की बात होती है, ये सब बेस ठीक रहने पर फिर उधर आप कर पाएंगे, क्योंकि कुछ दिन के बाद जो है हम छोड़ रहे हैं फिर कॉम्पिटिशन का भी क्लास छोड़ रहे हैं। चलो टर्म प्लस नेगेटिव यहां तक समझ गए, दो सेंटेंस आप लोग के लिए हम दे देते हैं बना करके और हमको भेज दीजिएगा, ठीक है, सब बना बना के भेज दीजिए और अगले दिन उसका सही और गलत हम आपको बतला देंगे। दो सेंटेंस लिख लो, तुम लोग को बना के लाना है। आज हम लोग देश की बिगड़ी हुई अर्थ व्यवस्था पर आज हम लोग देश की बिगड़ी हुई अर्थव्यवस्था पर चिंतित हैं। बना के लाना है, कोई वर्ड नहीं, वर्ड आपको अपने से खोजना है और एक सेंटेंस ले लो। वह कैसे नहीं जीवन की पथ पर संघर्ष करने के लिए तैयार है, वह कैसे नहीं जीवन की ही लगा देते हैं कि पथ पर संघर्ष करने के लिए तैयार है। ये दो सेंटेंस आपको बनाना है अगर समझ गए हैं, और इसकी इंग्लिश बना करके आप लोग भेज दीजिएगा हमको, हम चेक कर लेंगे और अगले क्लास में जब इसके बाद पार्ट 3 में हम आएंगे टेंस का तो उसमें हम इसका सही और गलत भी बतला देंगे। आज यहीं तक रख रहे हैं, एक टेंस आपका खत्म, अगले दिन फिर देखते हैं। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।